दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ कोजिका संपूर्ण कार केयर पे, और यहाँ आप कार की सर्विसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कार डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ, बहुत सारे सर्विस यहाँ देखिए मेंशन किए हुए हैं, ये सभी सर्विस यहाँ से आप करा सकते हैं। और ये देखिए, ये इनका स्टूडियो इस तरह मिलने वाला है, बाहर का ओवरव्यू आप देख रहे हैं। और चलिए अंदर चलते हैं और मिलाते हैं यहाँ के ऑनर से। तो सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। तो कुछ बताइए कि आपके स्टूडियो में क्या क्या काम होता है? हमारे पास इंटीरियर डिटेलिंग, एक्सटीरियर डिटेलिंग, पीपीएफ, सेरेमिक कोटिंग सब कुछ करते हैं हम जी। कार डिटेलिंग का काम है हमारा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये आज हमारे पास एक पीपीएफ की गाड़ी आई हुई है। ओके, आइए आपको उसके बारे में डिटेल में बताते हैं कैसे काम होता है, कैसे क्या क्या होता है, क्या प्राइसिंग होती है, सब चीजें आपको। मतलब आज देखिए, एक कोई कस्टमरी कार आई हुई है और इस कार के अंदर पीपीएफ का काम होने वाला है, पूरा बारीकी से दिखाने वाले हैं। इसमें कॉस्ट क्या आता है, क्वालिटी कैसी आती है, किस कार में काम होता है, सब बताने वाले हैं जी भैया। हाँ जी, तो आप बताइए आपके वैसे स्टूडियो कहाँ पे, किसी को आना है? ये हमारा अशोक नगर में है। अगर आप गूगल पे कोजी कार संपूर्ण कार के सर्च करेंगे जी, तो ये आपको इजीली हमारा गूगल मैप पे लोकेशन इजीली मिल जाएगा। आइए आज पूरी आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको प्रॉपर डिटेल में सब चीजें दिखाते हैं। जैसे कि अब बात करने वाले हैं पीपीएफ। हाँ जी, वैसे होता क्या बताए इसके बारे में? पीपीएफ जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्रॉपर एक शीट होती है पीपीएफ की, तो इसमें काफी सारी क्वालिटीज आती है। ठीक है, टीपी एच आती है, टीपी यू आती है जी। हाँ जी, जी। ये टीपी जो होती है ये सबसे क्वालिटी में सबसे ऊपर होती है, एंड आपकी जो कॉस्टिंग में भी है ये कॉस्टिंग में भी ऊपर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये थ्री लेयर वाली जो है शीट आती है जी, ये सेंटर वाली सेकंड लेयर होती है जो एक गाड़ी के ऊपर लगती है। अच्छा, तो भैया जैसे की बात करते हैं पीपीएफ लोग कराते क्यों, इसका बेनिफिट क्या है? भैया इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे की आप जैसे अगर आपके इसके ऊपर कोई भी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस मारता है, चाबी के निशान मारता है, गाड़ी का पेंट जो है वो डल नहीं होता। सेकेंडली आपका जो है गाड़ी की पेंट की लाइफ बनी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वैसे बात कर इसके भैया मतलब वारंटी क्या है, मतलब अगर कोई कराता है तो? इसकी वारंटी होती है भैया, डिपेंड करता है वो आप कौन सा मटेरियल कौन सी चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कि हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की कॉस्टिंग क्या होती है? हाँ जी भैया, छोटी गाड़ी की साइज की अकॉर्डिंग कम प्राइस आता है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना प्राइसिंग बढ़ता जाता है, क्योंकि साइज और एरिया जो होता है स्क्वायर फीट बढ़ता जाता है तो उसका प्राइसिंग बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अगर छोटी गाड़ी कराते हैं तो 40,000 to 45,000 आता है, और अगर बड़ी गाड़ी कराते हैं तो उसके अंदर 60,000 to 70,000 के आसपास कॉस्टिंग आती है। ठीक है, तो भैया आप बात कर ले हैं इसमें पीपीएफ की मतलब कितने तरह होते हैं, मतलब टाइप्स बात कर ले। भैया पीपीएफ जो होती है आपकी बेसिक आती है पीयू, टीपीयू, टीपीएच, टीपीएच और टीपीयू आती है। ओके, हाँ, जैसे ये बात करते हैं पीपीएफ, ये सिर्फ कार में होते हैं या कुछ स्कूटी बाइक में होती है? सर सब पे हो जाते हैं वैसे तो, पर डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव रहती है कंपेरेटिवली स्कूटर और बाइक पे जी। हाँ जी, जो कस्टमर आए हुए हैं इनकी कार के यहाँ पे पीपीएफ हो रही है। हाँ जी, तो इसमें कितना टाइम लगता है, मतलब इसके अंदर 1 to 1.5 दिन का काम होता है अगर ब्रांड न्यू कार है। जैसे कि एक कस्टमर ने अभी परसों गाड़ी ली थी और कल हमारे पास आ गई थी गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर तो ऐसे ही काम होता है, मतलब एक दिन मांगे चलो। हाँ जी, अगर आपकी पुरानी ज्यादा गाड़ी है तो फिर 2 to 3 दिन मांगे चलिए। ठीक है, तो देखिए कहना मतलब ये है कि जब आप आएंगे पीपीएफ कराने तो आपको 1 दिन का टाइम लगना है। तो सर अब बात करने वाला है जो पीपीएफ है ये सिर्फ न्यू कार में होती है या पुराने कार में होती है? ये डिपेंड करता है, आपने अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है वो कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है पेंट की, तो आप उसके ऊपर भी करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर प्रेफर करते हैं नई गाड़ी पे पीपीएफ। अच्छा, बाकी भी एक सवाल और होगा लोगों के मन में कि पीपीएफ मतलब कौन से बॉडी पार्ट में होता है कार के अंदर? जो सिर्फ आपकी जो ग्लॉस एरिया होता है, जैसे कि ये एरिया है, ओके, इस पे होता है, हेडलाइट्स पे होता है जी, आपकी क्रोम पार्ट्स नहीं कवर होते इसमें। ओके ओके, हाँ जी ठीक है, तो मतलब सिर्फ के बॉडी पार्ट में होता है ना? सिर्फ बॉडी पार्ट, जो बॉडी कलर होता है उसी पे होता है सिर्फ जी। ठीक है, अब बताइए जैसे कि बात करें पीपीएफ में मेरा कितने सेट आते हैं वैसे? भैया इसके अंदर एक ग्लॉस आती है, ये ग्लॉसी है, इसके बाद आपके पास मैट आती है जी, फिर अलग अलग शेड्स आते हैं, ब्लैक में आती है, ग्लॉसी ब्लैक आती है, मैट ब्लैक आती है, वो आपके डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर कौन सी क्या करवाना चाह रहे हैं। देखिए मन में बात होती है कि क्वालिटी कैसे मिलती है पीपीएफ में? क्वालिटी भैया इसके अंदर वही है जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जो गन्ने का रस होता है जितना गुड़ डालते जो उतना मीठा होता रहता है, तो इसी के अंदर भी ऐसे ही है, जितने पैसे आप डालोगे उतनी क्वालिटी उसके अंदर बढ़ती जाएगी। ओके, ओके। अगर आप बेसिक उस पे जाओगे तो 20,000 से स्टार्टिंग हो जाती है पीपीएफ की, 20,000 to 25,000 तो वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके अलग अलग यहाँ पे क्वालिटी है, जैसा आप चीज देंगे वैसा आपको यहाँ पे रेट मिलने वाला है पीपीएफ में। तो ये देखिए वैसे ये न्यू कार है, मतलब परसों ही परचेज हुआ है और आज देखिए मतलब 2 दिन के बाद ये यहाँ पे आई हुई है। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे अभी कॉर्नर
कोकोनट्स जो है ये सूखने के लिए रखे हुए हैं अभी। अच्छा, ये प्रॉपर जब तक जो है ड्राई होगी फिर ये फोल्ड होंगे, प्रॉपर इसको टक इन करा जाएगा। सो अभी पूरा एक तरह से काम अभी लगने वाला है। देखिए इसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है, मेन तो लगाने में इतना टाइम नहीं लगता, पर ये कॉर्नर्स जो एजेस हैं उसको प्रॉपरली ड्राई करने में टाइम लगता है। ये सामने देखिए वीडियो आप देख रहे हो 10 मिनट की, लेकिन इसके पीछे दोस्तों एक दिन का काम यहाँ पे होने वाला है। देख रहा हूँ संपूर्ण कार केयर, ये आपकी फर्म का नाम है ना? हाँ जी, ये फर्म का नाम है, हमारा पूरा नाम कोजी कार संपूर्ण कार केयर है। ओके ओके, हाँ जी। तो भैया जैसी बात कर रहे हैं, ये तो फॉर्चुनर है जिसमें मतलब 24 घंटे लगने ना? हाँ जी। पर कोई जैसे कि रनिंग मॉडल है, कोई सिंपल मॉडल है, उनमें भी सेम टाइम लगते हैं? सेम टाइम लगता है, क्योंकि काम तो वही होता ना ऑलमोस्ट सारा ही। जी, तो देखिए मतलब दोस्तों आप कोई भी कार ले आओ, आपको एक दिन टाइम लगना है। क्वालिटी यहाँ बेस्ट मिलने वाली है, प्राइस भी अच्छा मिलने वाला है, वो आपके डिपेंड करता है। अगर हमें कोई दिल्ली से बाहर से कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो हमारा गूगल मैप से कोजी कार संपूर्ण कार केयर पे अगर कोई सर्च करेगा तो वहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। ये तो बात रही पीपीएफ की ना? हाँ जी। इसके अलावा जो आपके पास सर्विस क्या क्या होती है बताएगा? हमारे पास कार डिटेलिंग, प्रॉपर जो कार डिटेलिंग होती है जिसके अंदर एक्सटीरियर इंटीरियर डिटेलिंग होती है, प्लस आपकी अगर उसके बाद आप सेरेमिक कोटिंग कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम। तो उसके बाद अगर आप सेरेमिक नहीं कराना चाहते तो पीपीएफ पे जा सकते हैं। अगर पीपीएफ नहीं कराना चाहते, कम बजट है, तो आप ऑक्टा टेट्रा कोटिंग करा सकते हैं। उसके अंदर 6 से 8 महीने की लाइफ होती है उसकी, और उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। हाँ। बाकी भी कार के अलावा आप बाइक स्कूटी को भी सर्विस देते हो? हाँ जी, सब पे होता है। क्या बात है दोस्तों, आप बाइक कार स्कूटी जो भी व्हीकल हो आपके पास यहाँ से आप सर्विसिंग कर सकते हैं। पीपीएफ हो, चाहे सर्विस कोटिंग हो, चाहे वो कार डिटेलिंग हो। ये आपके सामने एक सैंपल आप देख रहे थे। हाँ जी। ये आपके सामने देखिए एक कार की सर्विस देख रहे हैं जहाँ पे पीपीएफ काम होने वाला है। और देखिए दोस्तों अभी 2 बज रहे हैं, शाम के 7 बजे तक यहाँ पे काम होने वाला है। वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं 10 मिनट की, इसके पीछे दोस्तों देखिए मेहनत आपके सामने है। तो आप भी लेकर आइए जो भी आपकी कार हो, यहाँ से करा सकते हैं जो भी आपको सर्विस कराना हो कार के अंदर। देखिए तो थैंक यू सो मच भैया। तो आप सर जाते हुए एक बार दोबारा एक्सप्लेन करिए कि आपके स्टूडियो वैसे कहाँ पर दिल्ली में किसी को आना है तो? हमारा स्टूडियो जो वो अशोक नगर में है जी, सुभाष नगर के पास में। ठीक है। तो अगर आप कोजी कार संपूर्ण कार के गूगल पर सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों आपको इंक्वायरी नंबर दिया स्क्रीन पे, जो भी इंक्वायरी हो आप भैया को डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी पूछ सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप आसानी से आ सकते हैं कोजी कार संपूर्ण कार केयर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।